आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका कि NAV 50 रुपये से कम है और वह स्मॉल कैप कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं। बहुत लोगों का कुछ पिछले कुछ दिनों से ही क्वेश्चन आ रहा था कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके बताइए जिनका कि NAV 50 रुपये से कम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई सालों से यह देखा गया है कि म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स है लगातार तेजी से बढ़ने के कारण उन सभी का NAV जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब ज़्यादा NAV हो जाता है तो लोगों को यह दिक्कत होती है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं कम अमाउंट में तो हमको यूनिट्स कम मिलते हैं। हालांकि इसमें कुछ मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सभी जो है परफॉर्मेंस सभी जो स्कीम्स का परफॉर्मेंस जिस तरह से करेगा उसके आधार पर ही आपका रिटर्न डिसाइड होगा। मान लीजिए 1,000 रुपये का NAV का कोई 10% रिटर्न निकाल करके देता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना कि आप 10 रुपये का NAV अगर 10% का रिटर्न निकाल करके देता है। तो यह एक खाली देखने के लिए ऐसा अच्छा लगता है कि आपको हम मेरे पास ज़्यादा यूनिट है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी लोगों का यह एक अथी था, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई ठीक है, कम से कम NAV वाले जो है जो स्मॉल कैप में अच्छा फंडामेंटल रखते हैं और आने वाले समय में वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप फंड में, तो उस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल कैप का जो सिलेक्शन होता है, स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, वह जो है 5,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप के अनुसार होता है और उनकी रैंकिंग जो है सेबी के अनुसार से 251 से ऊपर की रखी गई। 251 से करीब 6,000-7,000 जो भी कंपनियाँ मार्केट में लिस्टेड है उन सभी मार्केट कंपनियों में सेलेक्ट करके इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक बात और आपको बता दूँ कि जैसे लार्ज कैप में जो मार्केट कैप के अनुसार से अगर सेलेक्ट करते हैं, जब म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाता है तो उनका मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ के आसपास होता है, उनकी रैंकिंग अंडर 100 होती है। और वहीं मिड कैप में 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक और उनकी रैंकिंग जो दिया गया है 101 से 250 के बीच में रखी गई है। इस तरह से आप देखेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे रहेगा। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर आपको ऊपर देखने को मिल सकता है रैंकिंग की वजह से, क्योंकि सभी कंपनियों को 101 से 250 के अंतर्गत या 100 से 250 के अंतर्गत रखना संभव नहीं है। रैंकिंग अगर ज़्यादा ज़्यादा होती है और उनका मार्केट कैप कम होता है तो भी उनको स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में उस तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ेशन के अनुसार से रखा जाता है। यह सेबी के रूल के अनुसार से होता है। खैर, ये तो रूल के रेगुलेशन की बात हो गई। अब आइए सीधा हम लोग चलते हैं कि भाई वह कौन से 3 म्यूचुअल फंड हैं जो कि आगे आने वाले समय बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इस म्यूचुअल फंड जो है इन फ्यूचर अच्छा तो अभी फिलहाल कर ही रहे हैं, आने वाले समय में करेंगे, और इनमें से मैं अपना फेवरेट बताऊंगा कि मैं अभी इन तीनों में से किस में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला म्यूचुअल फंड मैंने लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में, यूनियन का स्मॉल कैप फंड है जिसका NAV अभी चल रहा है 41.33 के आसपास। और इसका जब फंड प्रदर्शन देखेंगे पिछले 5 सालों के अंतर्गत में तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन निकाल करके दिया है, बहुत अच्छा करीब करीब अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो 5 सालों में जो इनका एवरेज रिटर्न निकल के आता है वो 24.16 के आसपास है, जहां पिछले 1 सालों की बात की जाए तो 24.52, उसी तरह से 3 साल की बात की जाए तो 34.91% के आसपास है, जबकि एक कैटेगरी एवरेज जो है 5 साल में 23.76 है। कैटेगरी एवरेज कहने का मतलब यह है कि इस फंड ने अपने कैटेगरी से जो बेंचमार्क है इसका है उससे कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनके बेंचमार्क ने 23 दिया, ये 24 के आसपास दिया। दूसरा फंड की बात करेंगे तो दूसरा फंड मैंने लिया है टाटा का स्मॉल कैप फंड, जिसका NAV फिलहाल चल रहा है 31.98 के आसपास। और इसका जो है फंड परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और करीब करीब, हालांकि इस फंड का मैं एक बात बता दूं कि पिछले 5 साल का तो अभी ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, 4 साल 8 महीने का इनका प्रदर्शन है और उसमें करीब करीब इनका एवरेज जो है यहाँ पर पूरा डाटा शो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह आप देखेंगे तो वहाँ पर करीब करीब इनका रिटर्न निकल के आता है 26% के आसपास, 26-27% के आसपास रिटर्न निकल के आता है पिछले 5 सालों में इसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है टाटा का स्मॉल कैप फंड।
तीसरा फंड जो मैंने लिया है वो केनरा का स्मॉल कैप फंड है। हालांकि ये भी अभी शुरुआत किए हुए करीब 4 साल 8 या 9 महीने हुए हैं, इसलिए इसमें 5 साल का डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं केनरा का स्मॉल कैप का अथी जो एनएवी चल रहा है आज के रेट में 31.91%, 31.91 रुपीज है। और ये जो देखेंगे आप, इसका भी प्रदर्शन पिछले कई सालों से अच्छा है। 5 साल का प्रदर्शन देखेंगे, 5 साल का रिटर्न देखेंगे, इसका करीब 28 से 29% के आसपास है। वहीं पर 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 38.43 के आसपास है। इस तरह से ये तीनों फंड जो है पिछले कई सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका डिटेल अगर कंपैरिजन देखना है तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल कंपैरिजन किस तरह से इस फंड ने अच्छा प्रदर्शन लगातार किया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये जो फंड है प्रदर्शन के आधार पर तो देख लिया अभी तक किस तरह से प्रदर्शन किया है, और उसके अन्य दूसरे क्राइटेरिया आइए देखते हैं। तो फंड साइज जैसा मैं बताया था कि टाटा का स्मॉल कैप भी 4 साल 11 महीने हुए हैं और केनरा भी 4 साल 8 महीने हुए थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए हुए। अब फंड साइज के आधार पर जो है म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, तो मैं यह कोशिश करता हूँ कि जिस फंड का साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो वैसे म्यूचुअल फंड में जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस क्राइटेरिया में ये दोनों फंड केनरा और टाटा दो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका 7,000 करोड़ है, इसका 6,000 करोड़ के आसपास है, जबकि यूनियन पुराने होने के बावजूद भी अभी 1,000 करोड़ के आसपास ही इसमें ये फंड साइज बना हुआ है, ज़्यादा इसमें अभी इन्वेस्टर नहीं आए हैं। हालांकि पिछले कई सालों में यह फंड जो है अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहा है। दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि भाई ये फंड जो है कितना अधिक रिटर्न हमको जनरेट करके देगा अपने बेंचमार्क से। तो उसके लिए हम लोग को अल्फा का वैल्यू देखना चाहिए। अल्फा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा फंड का रिटर्न उतना ही अच्छा माना जाता है। हालांकि इसके अलावा और दूसरे पैरामीटर रहते हैं देखने के लिए, लेकिन अगर आपने अल्फा देख रहे हैं, रिटर्न की बात की जाए तो अल्फा देखना जरूरी होता है। तो टाटा का यहाँ स्मॉल कैप फंड जो है वह 9.75% के साथ 1 रैंक पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर है 8.919% के आसपास। केनरा का अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पिछले कई सालों में, 8.19 उसका अल्फा है। और थर्ड कैटेगरी थर्ड फंड में जो है उसने अल्फा का रिटर्न करीब 6.68% के आसपास निकाल करके अब कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं। अब एक और पैरामीटर देखते हैं इसमें कि भाई इसका तो हो गया। अब ये पी रेशियो होता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पी रेशियो ज़्यादा होगा। ऐसे एक ऑन एवरेज देखा जाए पी रेशियो अगर जिसका 20 के आसपास होता है तो वह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप की बात है तो आपको ऑन एवरेज 30 के आसपास मानना पड़ेगा, 25 से 30 के बीच में अगर है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत टाटा और केनरा जरूर फिट बैठ रहा है। हालांकि इसका यूनियन का स्मॉल कैप का जो है वह पी रेशियो ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं और आगे आने वाले पैरामीटर क्या है। और तीसरा बात रहता है एक्सपेंस रेशियो कि भाई अब जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, आपसे कितना वो चार्ज करती है। तो इस बारे में सबसे ज़्यादा जो है यूनियन का स्मॉल कैप जो है वह आपसे 1.12% का चार्ज करता है, 1.12% का चार्ज करता है, जो कि ज़्यादा है इन दोनों की अपेक्षा। जहाँ तक टाटा की बात की जाए 0.31% और केनरा की बात की जाए 0.42%। आप कंप्लीट उसके बाद आप अगर इसमें देखेंगे कंप्लीट होल्डिंग की बात की जाए तो कंप्लीट होल्डिंग जब देखते हैं किसी म्यूचुअल फंड का तो उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा हमको केनरा का लगा कि केनरा का जो स्टॉक सिलेक्शन फंड मैनेजर द्वारा किया गया हो बहुत ही अच्छा है। आप केनरा के साथ जा सकते हैं। केनरा म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आगे आने समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जहाँ टाटा का स्मॉल कैप मात्र 150 रुपया से आपको SIP की अथी दे सकता है, छूट दे सकता है, वहीं आप केनरा और यूनियन में जो है 1,000 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के रूप में। मैक्सिमम का किसी में कोई लिमिट नहीं है, लमसम और SIP दोनों प्रक्रिया चालू है इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीन म्यूचुअल फंड जो है तीनों म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले आने वाले समय में NAV कम भी है और फिर भी ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप SIP करते हैं
अगर इन्हीं तीनों म्यूचुअल फंड अगर देखें कि 20% से तीनों में अधिक 5 साल, पिछले 5 सालों में जब देख रहे हैं, तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न इसने तीनों फंड ने निकाल करके दिया है। तो 20% तो आने वाले समय में 15-20 सालों में आप तो आशा रखना उचित नहीं है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रिटर्न जो है 15% मान के चलिए, म्यूचुअल फंड में 15% तो मिलेगा ही। हाँ, स्मॉल कैप है, हो सकता है आपको 16-17-18% भी मिल जाए। मान लीजिए कि ऑन एवरेज आपको 17% का रिटर्न मिलता है जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर आपने 15,000 रुपया का अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसे 20 सालों तक लगातार SIP के जरिए इन्वेस्टेड करते रहें और 17% का रिटर्न मिला, तो फिर आपका फंड कॉर्पस कितना बनेगा? तो आपका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख का बनता है, उस पे आपका टोटल गेन 2.67 करोड़। यहाँ तो देखने वाली बात है। यहीं से चालू होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लोगों को समझना चाहिए। लोग जो है छोटे छोटे SIP करते हैं और लगातार बने हुए रहते हैं, उन्हीं को यह परिणाम देखने को मिलता है। उनको यह कदापि देखने को नहीं मिलेगा जो कि आज चालू किए, 3 महीने 4 महीने चलाए, उसके बाद सोचते हैं अरे अरे फंड तो अच्छा नहीं कर रहा, इससे निकल जाए क्या? निकल जाए क्या? निकल जाइए, फिर आपको ऐसा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और आप दोष किसको देंगे? फिर म्यूचुअल फंड को देंगे कि मेरा रिटर्न नहीं बन पाता है। तो इस तरह का रिटर्न उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि लगातार SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें बने हुए हैं, उन्हीं को मिलेगा और किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर SIP चालू किए हैं, भले ही आपका अमाउंट कम हो, मान लीजिए आप इतना 15,000 अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, 5,000 से ही चालू कीजिए, तो भी देखिए आपको अच्छा खासा कॉर्पस बना करके देता है। 5,000 से चालू किए, अगर 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, रिटर्न आप 17% के मान के चलते हैं, तो वहां पर भी फ्यूचर वैल्यू 1.1 करोड़ आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि SIP चालू रखना होगा, आपको इमोशन पर कंट्रोल करना होगा, तभी इस तरह के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें से मेरा पसंदीदा फंड कौन सा है। तो तीन फंड का हम लोगों ने जिक्र किया, तीन फंड का जिक्र किया हम लोगों ने। तो जिसमें पहला फंड था इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को के बाद हम लोगों ने जिक्र किया टाटा का, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, अब केनरा का स्मॉल कैप फंड। तो जैसे मैंने एक बार बीच में भी जिक्र किया था, केनरा का स्मॉल कैप फंड सभी पैरामीटर पर देखने में अच्छा लगता है। जितने भी फंडामेंटल रेशियो होता है म्यूचुअल फंड के, 15 पैरामीटर आप देखिएगा, उन सभी पर केनरा का स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और इसमें मैं खुद ही पिछले कई सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ लमसम और SIP के जरिए। आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP और लमसम के जरिए। शुरुआत कीजिए, छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए, लेकिन लगातार चलाइए, आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल करके देगा। अगर किसी भी तरह म्यूचुअल फंड में आपको किसी तरह का डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और कॉल पर जरूर बात कीजिए, आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है, किस तरह के फंड लेना है, किस तरह के आपको गोल सेटिंग करना है, किस तरह के इंश्योरेंस लेना है, किस तरह के म्यूचुअल फंड लेना है, उसके बारे में आपको जरूर गाइड किया जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।